कल जिसे कोर्ट में सरेंडर करना था वो मंत्री पद का शपथ ले रहा था राज्यपाल के सामने राजभवन में। कल बिहार में जो नई सरकार बनी है उसके मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, 31 मंत्रियों ने शपथ लिया, उसमें से एक आरजेडी के एमएलसी कार्तिकेय सिंह भी हैं, उन्होंने भी मंत्री पद का शपथ लिया और उन्हें विधि विभाग मिला यानी कानून मंत्री बनाया गया। और कानून मंत्री बनाने के बाद ये खुलासा हुआ कि उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कल ही उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। ऐसे में अब वारंट जारी हो गया है कार्तिकेय सिंह के खिलाफ और कार्तिकेय सिंह को कल कोर्ट में सरेंडर करना था। मामला जो है वो अपहरण का है, राजीव रंजन के अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था और कल कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वो राजभवन में राज्यपाल के सामने शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, विधि विभाग उन्हें दिया गया। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, विपक्ष में बैठी भाजपा ये कह रही है कि यही महागठबंधन की सरकार है, सरकार बनते ही अपराधी जो हैं वो जेल से बाहर आ गए, अपने घर पर बेखौफ घूम रहे हैं और दूसरी तरफ जिस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन्हें कानून मंत्री बनाया जा रहा है। इसको लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें से 27 से 28 लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिस पे आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसमें से कार्तिकेय सिंह भी एक आते हैं। कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं और कल जैसे ही वो मंत्री पद का शपथ लिए उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, वो छोटे सरकार के आवास पर पहुंचते हैं और नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं और उसके बाद ये खुलासा होता है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हो गया है, उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था मंगलवार को और वो मंगलवार को मंत्री पद का शपथ ले रहे थे। ये कहानी थोड़ी फिल्मी हो गई लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार में कल मंत्री परिषद का विस्तार हुआ, जो नई सरकार बनी है महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है उसका विस्तार हुआ और जिसे कोर्ट में सरेंडर करना था वो मंत्री पद का शपथ ले रहा था। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या देखिए हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है।